दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट को मार्केट में थे या फिर जो पेशेंट दोस्तों माने था एग्जैक्टली क्या है, मैं बोलते जो लोडिंग डोज है उसको दो इंजेक्शन लगते हैं, जिसके लोडिंग डोज उसको ज्यादा सर आप दोस्तों माने पड़े 206 और ये 2000 आया इसके पूरे मदद में। तो आगे के बाद से सर एक देशभर में सवाल उठ रहा है आरटीपीसीआर की जांच को लेकर कि आरटीपीसीआर में जो जांच करा रहे हैं उसमें कोविड पॉजिटिव आते नहीं है और बाकी फिर सीटी स्कैन में सब चीज़ें आती हैं, ये एक बड़ा असमंजस की स्थिति है। देखिए इसमें जो आरटीपीसीआर का जो स्पेसिफिसिटी है वो 70-80% है, देयर आर चांसेस कि 20-30% भैया हम भी बैठे हैं यार अभी। कल एक वीडियो आया था जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर दो लोगों ने दम तोड़ दिया, उनका एडमिशन नहीं हो पाया और उनका कोई प्राथमिक इलाज मिल पाया। ओके, तो वो भी हम लोगों ने रिव्यू किया, ये हमारी टेक्निकल भाषा में ब्रॉड डेड वाला रहता है। तो अगर मरीज ब्रॉड डेड है तो उसमें फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सिंगापुर में ये रूल बना दिया है कि आपस में घर में मिलना जुलना मना है, आपस में इन्वॉल्व नहीं है, प्रिवेंशन ही कर सकते अपन। अपन जो बातें कर रहे हैं क्या हो गया कोरोना, क्या करें अपने को जोर देना चाहिए आप लोगों के माध्यम से, हुई ना कोरोना आगे ना बढ़ा स्प्रेड। तीन संजय दीक्षित जी मौजूद हैं। संजय जी बाकी सवाल आपने रेमडेसिविर के बारे में बता दिए, उसके डिटेल हमारे पास है। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो मरीज आ रहे हैं, बताया जाता है कि दो मरीज बाहर रह गए, उनकी मौत हो गई, उनको भर्ती नहीं किया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बेसिकली जो मरीज मैंने जैसा बताया, कई मरीज जो ब्रॉड डेड आते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते जी। और ये हमेशा ट्रायज एरिया में मरीज एम्बुलेंस से आने के लिए, इसलिए हम लोगों का ये कहना है कि जब भी कोई मरीज कोई अस्पताल भेजे तो पहले सुपर स्पेशलिटी में फोन करके कंसेंट ले ले कि अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स हैं कि नहीं, जिससे कि ये चीज़ें कम हों। चलिए हमने ये